कब्रिस्तान के सामने एक दुकान बनी है, यह कारखाना है जहाँ सवैयों की पूरी तैयारियाँ हो रही है जोरों शोर के साथ, और रमज़ान की ये सब बहुत सारी वैरायटियों की सवई तैयार हो रही है, यहाँ खुद से हाथों से तैयार की जा रही है। तो थोड़ा मिलते हैं इनके मालिक से और बात करते हैं कि ये क्या क्या रेंज में यहाँ सवई तैयार हो रही है। जी बस बताइएगा, क्या नाम हुआ अपना? अहमद। अहमद भाई, ये खान चौक पे आपने ये अभी दुकान चालू किया है, रमज़ान की पूरी तैयारी कर रहे हैं जोर शोर के साथ, देख रहे हैं बहुत सारे स्टाफ काम कर रहे हैं, क्या रेंज में रखा है सब का रेट? ये अलग अलग रेंज का है, इसमें 70 से लेके 80 तक की क्वालिटी है। अच्छा, 70 से 80 तक की क्वालिटी है। ये बिल्कुल कब्रिस्तान के सामने में है, खान चौक पे है ना। दिखाते हैं ये सभी क्या कुछ क्वालिटी यहाँ तैयार हो रही है। यहाँ तैयार की जा रही है, यहाँ सारा माल तैयार होकर पैक हो रहा है, ये बन रहा है। ये सारा पैकिंग किया गया हुआ माल है, तो भाई साहब यहाँ खुदरा भी बेच रहे हैं कि आप बिल्कुल होलसेलर के लिए ही है? जी खुला भी बेच रहे हैं, जो कस्टमर अगर आपके पास आते हैं तो उनको किलो दो किलो भी बेचते हैं और होलसेलर भी करते हैं। अपना क्या नाम हुआ? मोहम्मद कलीम। मोहम्मद कलीम, कलीमिया होटल। और राम खा में होटल गया। बहुत सारी वैरायटी में नए नए पटियाला डिज़ाइन में आ रहा है, अभी जो चल रहा है ज़्यादातर चल रहा है अभी गराड़ा, गराड़ा का नया नया वैरायटी डिज़ाइन है, बहुत सारे डिज़ाइन तरह तरह के कपड़ों में है, जैसे कि टाफेटा कपड़ा में हो गया, नेट में हो गया, शिफॉन में हो गया, सूट पीस है नए नए डिज़ाइन में, अच्छे रेंज में है, बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ ऑफर भी हैं। ऑफर में क्या क्या ऑफर है सब में? कुछ 10,000 की ख़रीदारी पे आप 1300 रुपये का आप ख़रीदारी मुफ्त कर सकते हैं, 5,000 की ख़रीदारी पे आप 1,000 रुपये 500 रुपये की ख़रीदारी आप मुफ्त कर सकते हैं, 5,000 की ख़रीदारी पे 500 की ख़रीदारी मुफ्त कर सकते हैं, 10,000 की ख़रीदारी पे आप 1300 रुपये ख़रीदारी मुफ्त कर सकते हैं, 20,000 की ख़रीदारी पे आप 2600 रुपये की ख़रीदारी मुफ्त कर सकते हैं। ये सारे ऑफर बच्चे में भी सारे पैटर्न मिल जाएंगे, अच्छा बच्चे का भी कुछ आइटम आपने लगाया है ना? जी जी, बच्चों में भी सारे डिज़ाइन मिल जाएंगे, सारे लड़का हो या लड़की हो, बड़े हो जेंट्स में हो। जी इधर क्या नाम हुआ आपका? अमीर अली। अमीर अली, लगभग एज आपका कितना है? 77। 77, आप रोज़ा रख रहे हैं? रोजे से हैं? एकदम है। तो ये जो रोज़ा रख रहे हैं तो ये एनर्जी जो ये ताकत है रोज़ा रखने में, तो वो कहाँ से आपको मिल रहा है? क्योंकि इतनी एज में लोगों को तो कमज़ोरी आ जाती है, तो उसके उस पर आप कैसे रोज़ा रख पा रहे हैं? अल्लाह ने हमको दिया ताकत, अल्लाह रखने का ताकत दिए तभी हम रख रहे हैं, नहीं तो हमारा औकात नहीं है रखने का। हमारा जो शरीर है जी तो ये एज है 77 हो गया आपका, संभव नहीं है रोज़ा रख रहे हैं एकदम मुकम्मल। तरावी भी पढ़ रहे होंगे? एकदम तरावी का नमाज भी पढ़ रहे हैं। मैं एड्रेस, ये कहाँ है आपका घर? जी क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इनायत। जी एड्रेस कहाँ, घर?
महाराजगंज के रहने वाले हैं। उम्र कितना होगा आपका? 72 बरस। 72 साल की उम्र में रोज़ा रख रहे हैं? जी हाँ। पूरे रोज़ा रखे हैं? जी हाँ। और तरावी भी पढ़ते हैं? तरावी भी पढ़ते हैं। माशाल्लाह, ये तो बहुत बेहतर अच्छी बात है। तो ये कुवत कहाँ से आ रही है आपको कि ये रोज़ा भी रख रहे हैं और तरावी भी पढ़ रहे हैं? पढ़ वाले थे रहे हैं। क्या नाम है बाबू? घर कहाँ हुआ? अच्छा, रोज़ा रखे हो? कितना रोज़ा रखे आप? आज कितना हुआ? 8 रखे, आज 8 हो। अच्छा, रोज़ा रख रहे हो, मुस्तकिल रोज़ा रख रहे हो, परमानेंट? हाँ। माशाल्लाह, नमाज भी पढ़ रहे हो? हाँ। जी, पापा का क्या नाम हुआ? एमबी असलम अंसारी। मास्टर मोहम्मद असलम अंसारी। मास्टर, और कितना रोज़ा रखने का इरादा है? रखेंगे, कोशिश करेंगे पूरा रखने का कोशिश करिए। ये मेरा सवाल है कि ये रमज़ान के रोज़े रखते हैं लोग, इससे क्या फ़ायदा है? क्यों रखते हैं रोज़ा और इससे क्या फ़ायदा है? जी, रमज़ान के मुतालिक अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि रोज़ा हमने तुम पर फ़र्ज़ किया इससे पहली उम्मतों पर जैसे फ़र्ज़ किया गया। इसका मकसद ये है कि तुम्हारे अंदर तखवा और परहेजगारी आ जाए। तखवा ये कहते हैं कि अल्लाह जो दुनिया बनाए, पूरी कायनात का मालिक है, जैसे चाहता है वैसी ज़िंदगी गुजारो। जिन चीज़ों से रोकना चाहता है उनसे हम रुके रहें, और जो चीज़ करने के लिए कहता है वो करें, इसी का नाम है तकवा। तो ये एक महीने का रोज़ा जो है, एक्चुअली ये वर्कशॉप है कि कम से कम हर मुसलमान इस रोज़े में वैसे ही करता है जो अल्लाह का हुक्म है, उससे अलग नहीं करता है। तो ये एक महीने का वर्कशॉप इसलिए कराया ताकि बाकी रोज़े के बाद की ज़िंदगी भी हमारी इसी तरह कटे, ताकि हमारा परवरदिगार हमसे खुश हो जाए, इसलिए रोज़ा है। और इससे फ़ायदा क्या क्या हो सकता है? इससे सबसे पहला फ़ायदा यह है कि हम अपने